कमर्शियल ब्रेक के बाद वेलकम टू खिटपिट मुकाबला। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिलवाते हैं, उनके पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात करते हैं, राइट? और साथ साथ आपको उनकी फेवरेट पसंद के फिल्मी गाने भी सुनाते हैं, है ना? अगले हफ्ते हम आपको फिर एक फिल्म स्टार से मिलवाएंगे और आपको ये बताना है कि ये कलाकार कौन होगा। आमिर खान। अरे नो चांस माधुरी दीक्षित। नहीं शाह मोनी शो कोयराला। चार्ली चैप्लिन। हैं वो तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर दिखाई देते हैं। आपके जवाब हम तक 5 दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए और सही जवाब भेजने वाले को हमारी तरफ से हमारे मेहमान कलाकार के साथ एक पूरी शाम बिताने का मौका मिलेगा। डिनर ऑन द हाउस। माधुरी मैं आ रहा हूँ माधुरी। और भी ढेर सारे इनाम हैं। सो पिक अप द पोस्ट कार्ड एंड राइट योर एड्रेस डाउन। इट इज खिटपिट मुकाबला, पोस्ट बॉक्स नंबर 000000। Fantastic! मैं तो आज ही आमिर खान का नाम पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देने वाली हूँ। अरे कुछ नहीं माधुरी दीक्षित, वो गाना याद है, देखा है पहली बार। शाव एक चिट्ठी हमारे नाम से मनीषा कोयराला को लिख देना, वो हमारे गांव का है। हाँ ठीक है, लेकिन पोस्ट कार्ड का है। वो मेरे पास है। अच्छा तो दो ना। उस पे मैं आमिर खान का नाम लिख करके भेज देने वाली हूँ। अच्छा तो ठीक है भेजो, लेकिन एक मुझे भी तो दो। दूसरा पोस्ट कार्ड है। रुक्मणी, अरे सुनो तो रुक्मणी, सारा रोस्टर खत्म। कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से पोस्ट कार्ड का बंदोबस्त करूंगा और लिखूंगा जरूर। यस। मम्मी मेरी डायरी खोल। चुप रहना। नहीं सॉरी, आपको नहीं कह रही हूँ। आमिर खान की जो भी मेरी डायरी करो ना। अरे सारी ही भेज दो ना, मुझे सारी हम चाहिए मम्मी। हाँ और अर्जेंट है, अर्जेंट प्लीज। आप फौरन ही किसी आदमी को लेकर के भेज दीजिए। अच्छा जितनी है उतनी भेज दीजिए ना। हाँ ओके। किस कदर इडियट हो तुम। हाँ मैं फोन पे बात कर रही हूँ और तुम बीच में मम्मी मेरी टाइम करते रहते हो। समझ में नहीं आ रहा मम्मी कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। अजय मेरा राजा कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल आमिर खान लगता है ना, जो जीता वही सिकंदर वाला। मैं तो यही कह रहा हूँ, तो स्कूल क्यों भेजती हो, किसी प्रोड्यूसर के पास भेज दो। हाँ मम्मी हमारी टीचर का नाम भी पूजा भेजी है। लो देखो कौन सी भाई, बस अभी जाओ। बाय बाय बाय। नाश्ता। अरे ये क्या सामने ही तो रखा है, तरबूज। कह दो के तुम हो मेरी बन। अरे ये क्या कर रही हो रुक्मणी तुम। कोई फायदा नहीं है, मैंने हमारे फैमिली के एक इकलौते पोस्ट कार्ड पर आमिर खान का नाम लिख करके भेज दिया है। तो क्या हुआ, मैंने टेलीग्राम में माधुरी दीक्षित का नाम लिख के भेज दिया है। पापा बहादुर ने क्या किया मालूम है? क्या किया? आपके फैक्स मशीन पर मनीषा कोयराला का नाम लिख के भेज दिया। बहादुर ने फैक्स मशीन को हाथ लगाया, फिर से हाथ लगा। बहादुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए बहादुर के बच्चे, चल चल लगाओ आमिर खान। चल Yes. आमिर खान यहाँ नहीं रहता है। आप समझे नहीं भाई साहब। मैं सब समझता हूँ, सुबह से लोगों ने आमिर खान क्या लगाया। आप समझ कर भी नहीं समझे। यानी ये आमिर खान की कैसेट से। हाँ तो आमिर खान के घर ले जाओ, यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई साहब ये आमिर खान के फिल्मों की कैसेट से। आमिर खान की फिल्मों की कैसेट? किसने मंगवाई? आपके घर ही से फोन आया था। मेरे बंटे चिंटो लेकिन मुझे भी तो देखनी है माधुरी दीक्षित की फिल्म। हाँ तो देखो, मैंने मना थोड़ी किया है। मगर तुम देखती रहोगी तो मैं क्या करूँ? पिक्चर एंड पिक्चर वाला टीवी क्यों नहीं ले आते? अच्छा आइडिया है। फिर मैं क्या करूंगा मालूम है? आमिर खान को तेजाब में डिसॉल्व कर दूंगा। तुम आमिर खान को इतना नापसंद क्यों करते हो जी? क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो, समझी? वो जो भी है, इस टीवी पे तो वही पिक्चर चलेगी जो मैं देखना चाहती हूँ। अरे वाह, ये दादागिरी क्यों? क्योंकि ये टीवी मेरे पापा का दिया हुआ है। करेक्शन, आपके पापा ने सिर्फ खोखा दिया था, उसमें जब मैंने ट्यूब लगवाई ना तब जाके ये टीवी बना, समझी? मेरे पापा को हमेशा तुम बुरा भला कहते हो। हां तो फिर तुम ऐसी बात करो। तुम एक दूसरे को जानते हो? डैडी आप मेरी शादी इससे करवा रहे हैं? इस लफंगे से?
से? इसकी शादी तो मैं अपनी चिंकी से भी नहीं करवाऊंगी। अबे मैं इस कुतिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुमसे नहीं। अरे डैडी किस चुड़ैल के साथ मेरी शादी? चुड़ैल? मैं चुड़ैल हूँ। वेरी गुड, जब आप दोनों एक दूसरे को। तुम हमेशा मेरे पापा को बुरा भला कहते हो। देखो 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 पापा, आप दिल पिक्चर क्यों नहीं देखते? क्यों दिल क्यों देखूं? उसमें आमिर खान और माधुरी दोनों है। मुझे ऐसी कोई फिल्म नहीं देखनी जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ आमिर खान हो। पता नहीं माधुरी को भी क्या सूझी थी, आमिर खान के साथ पिक्चर कर ली। आमिर ने माधुरी पे एहसान किया था उसके साथ पिक्चर करके, समझे? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें पता है जब मैं प्रोड्यूसर बनूंगा ना तो आमिर खान को माधुरी दीक्षित का बाप बनाऊंगा। ची, 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 ये ची, बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा मसा, लंबे लंबे बाल, ये छोटे जवान बच्चे को तुम बाप बनाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ मुझे शर्म नहीं आती लेकिन मैं पिक्चर देख के रखूं? ये नहीं, देखो ये टीवी मेरे पापा का दिया हुआ है, मैं ये पिक्चर देख के रहूं। चल दादी माँ को बुलाते, वरना टीवी टूट जाएगा। चल 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 दादी माँ, दादी माँ। देखा बहादुर, देखा बहादुर, मैंने पकड़ा पहले। बहादुर सच बता, किसने पकड़ा? फिर से एक बार कोसता है, झगड़ा करने की क्या जरूरत है? चीटिंग मत करना, तुम भी मत करना। देखो 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 चीटिंग मत करना। तुम डिस्टर्ब मत करो, आज तो इस पार या उस पार लेकिन फैसला हो के रहेगा। मैं तैयार। मैं भी तैयार हूँ, मैं नहीं छोड़ने की भी। हाँ जी माँ जी, आप मुझे अपने हाल पे ही छोड़ दीजिए, आज तो मैंने कमर कस ली है। तुम कैसे देखती हो तुम? और मैं भी देखता हूँ तुम कैसे देखती हो। बहू शांत हो जा बहू। माँ माँ कमाल की क्रिएटिविटी है माँ, तुमने तो इसे आर्की का वॉटरफॉल सीक्वेंस बना लिया माँ। आपने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। घबराओ मत मम्मी, तुम्हारा बेटा भी कुछ कम नहीं। ये देखो ये। अरे मेरी कैसेट्स माँ, अब मैं माधुरी दीक्षित को मुंह कैसे दिखाऊंगा? लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ओफो माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें स्क्रीन पे समझाता हूँ। रुक्मणी ने आमिर खान का नाम। हाँ मम्मी, आमिर खान के साथ डिनर पर जाएगी। हाँ, अभी तक तो पोस्टकार्ड भी नहीं पहुँचा होगा। आमिर खान के साथ डिनर? प्रकाश तू क्या इतना बिजी हो गया है कि बहू को डिनर पे भी नहीं ले जा सकता? अरे भाई ये बात नहीं है, वो क्या हुआ टीवी में एडवर्टाइजमेंट आई थी, उन लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। अब भला सोचो आमिर खान के पास इतना वक्त कहाँ है कि सबके साथ डिनर पे जाता रहे। तुम किसी के साथ डिनर पे नहीं जाओगी। लेकिन माँ जी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये सब तुमको शोभा नहीं देता। मम्मी को शोभा नहीं चाहिए? हाँ आमिर खान के साथ डिनर चाहिए। हाँ माँ जी ठीक है, जाना है तो जाओ लेकिन मेरी लाश पे से। ओ माँ जी। माँ मैं समझाता हूँ। माँ अरे तू क्या इसकी वकालत कर रहा है? तेरी बीवी है ये, और फिर वो आमिर खान में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? तू क्या किसी से कम है? पता नहीं क्यों इतनी हाय तबाह मचा रहे हैं सब लोग, अभी तक तू किसी को मालूम ही नहीं है कि कौन जीतेगी। माँ तुम ही जीतोगी। हाँ मगर मुझे सारी मंडली लेकर के साथ नहीं जाना है, मैं तो नहीं जाने वाली सबको साथ लेकर के, जीतू या ना जीतू। इससे तो अच्छा होगा पापा ही जीत जाए, माधुरी दीक्षित के साथ चाइनीज खाने को मिलेगा। अरे माँ एक 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 बहुत अच्छा आइडिया है, रुक्मणी तुम भी सुनो, ऐसा करते हैं हम सब तुम्हारे साथ डिनर पे चलते हैं। नहीं हमारे पैसे हम खुद दे देंगे, यानी मुकाबले वाले खिटपिट भी तो नहीं करेंगे। गुड आइडिया, वेरी बैड आइडिया, सब लोग साथ मिलकर के जाएंगे कैसा लगेगा? अरे पर तुम बताना मत ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो क्या आप मम्मी के ड्राइवर बन के जाएंगे? अरे चुप, कैसी बातें करता है। अरे हाँ रुक्मणी इसमें हर्जी क्या है, और हम मेकअप मैन बन जाएगा। ए तुम अपना नंबर मत लगा, वरना दादी माँ हेयर ड्रेसर बन के आएंगी, और हम दोनों स्पॉट बॉय। मुझे कहीं जाना और तुम लोग भी कहीं नहीं जाओगे, और इस फिल्मी चक्कर से दूर रहो, मैं बोल देती हूँ। हाँ माँ। मम्मी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। ओफ ओफ पहले मुकाबला जीतने तो दो। बच्चे लोग चलो जाओ ऊपर सो जाओ, और हाँ बहादुर जरा जाके ऊपर दूसरी कैसेट का हाल देखना, पता नहीं बच्चों ने क्या हाल किया होगा उसका। शाब चिंता करने का कोई बात नहीं है, वो गीला कैसेट को हमने कपड़ा धोने का मशीन के अंदर डाल दिया है, वो अभी तक भी तो सूख गया होगा। हे भगवान मेरा वॉशिंग मशीन। अरे बहादुर के बच्चे तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या, कैसेट को वॉशिंग मशीन में डालता है ट्राई करने के लिए? ये
आपको अगर अच्छा नहीं लगा है तो इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अभी जाता है, मशीन बंद करता है। अरे तो मेरा निकल लेता है ना। मेरा मुंह क्या देखता है? जा जल्दी जा। हे भगवान, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ भगवान, मेरी कैसेट मुझे लौटा दे। भगवान, मेरी कैसेट मुझे लौटा दे। अरे गजब लग रही, गजब लग। अरे तुम तो इस तरह बंधन के आई हो जैसे आमिर खान ने तुमको रिसेप्शन में बुलाया हो। हाँ तो दोस्तों आइए देखें कौन जीतेगा। माधुरी दीक्षित धक धक करने। मैंने कहा था ना, I want it, मेरी माधुरी दीक्षित। रिलैक्स रिलैक्स, आपका भी दिल माधुरी की तरह धक धक करने लगा ना। हाँ तो दोस्तों, अरे आगे भी बोलना। साइलेंस पापा। ओके ओके, दैट्स इट, ही इज द हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस। ही बोली वो, ही बोली वो ना, ही बोली वो। जो जीता वही सिकंदर से हमारे आज के गेस्ट है आमिर खान। आमिर खान। आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? मोहल्ले की दूसरे भी औरतें हैं जिन्होंने आमिर खान का नाम लिख के भेजा, समझी? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है मैं जीतने वाली हूँ। हाँ हाँ, तुमने तो आमिर खान का वर्ल्ड राइट ले रखा है ना। अरे रिजल्ट तो अनाउंस होने दो। देखना मम्मी जीतेगी। मेरे मुंह में गुड़ घी मेरे बच्चे। एंड नाउ द लकी विनर हु विल हैव अ डेट विद आमिर खान इज रुक्मिणी प्रकाश। प्रकाश ओनली, प्रकाश ओनली। प्रकाश प्रकाश ये लगा दो ना प्लीज। क्यों? अरे कल आमिर खान से मिलने जाना है ना, लगा दो प्लीज। हाँ तो आमिर खान को ही मिलने जा रही हो ना, कौन सी माधुरी दीक्षित को मिलने जा रही हो? लगा दो प्लीज। ओफो, ओके। प्रकाश मैं किस तरह के कपड़े पहनूं? मैं सोच रही थी जैसे आमिर खान की हीरोइंस कपड़े पहनती है वैसे पहनूं। ममता कुलकर्णी? नहीं, जूही चावला। हाँ, जैसे कयामत से कयामत तक में उसने पहने थे। आमिर कितना स्वीट लगता है। कौन हो तुम? अरे मैं हूँ, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल जूही चावला है ना। तुम देवी का रानी लग रही हो, अछूत कन्या की। मैं बन की चिड़िया बन के। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, ये सब बहुत ज्यादा है ना। शायद आमिर खान को कुछ सिंपल सा अच्छा लगेगा है। हाँ आयशा झुलका, जो जीता वही सिकंदर है ना। क्या तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनोगी? उसने पूरी पिक्चर में स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। नहीं तो? हाँ उसका जो वो दूसरा है ना ड्रेस, वो पहनूंगी। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो तुम? आमिर खान ही तो आ रहा है, कोई चंगेज खान तो नहीं आ रहा? जब आमिर जी आएंगे ना तो मुझे बता देना, मैं फौरन उनकी तरफ चली जाऊंगी। हाँ आमिर जी आ रहे। आमिर जी सुनो सुनो, तुम दो बच्चों की माँ हो और वो तुमसे उम्र में छोटा है, ये आमिर जी क्या लगा रखा है? मेरा मेकअप खराब हो गया होगा ना। बहादुर जरा मेकअप दो। ओ, लिपस्टिक लिपस्टिक दो। पसीना, किस तरह के गधे हो तुम? मैंने पसीना पोंछने को कहा था, मारने को नहीं। सारा मेरा मेकअप बिगाड़ दिया तुमने। अरे अरे मणि क्या दे जा रही हो? ब्लेड है। अब ठीक लग रहा है ना? मेकअप तो मेरा ठीक है ना? मेरा हाथ छू करके देखो, मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है, कब आएगा वो? तुम्हारी शर्ट क्यों बदली हुई लग रही है? बहादुर जरा चल। बहादुर 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 कहाँ आया? मैं चाहूँगा चश्मा दो मुझे, चश्मा मेरे। कमीने कुत्ते, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शरीफ और हाथ पकड़ के बैठो, बेवकूफ कहीं के। कब आएगा वो? आ जाएगा रुक्मणी,
लेकिन कब? फोन कर फोन। किसको? वो मुकाबला वालों को। और क्या कहूँ? आशा उसको पूछो कि आमिर खान आएगा कि कादर खान आएगा। तुम इतना पानी क्यों पी रही हो मेरी माँ? पता नहीं अब क्या करें, 2 घंटे हैं अभी। तो मैंने कहा था 2 घंटे पहले आने को। क्या करें बताओ ना। आइडिया। भाई हमारे पास 2 घंटे हैं, क्यों ना हम रिहर्सल करें। आमिर खान आएगा तो हम कैसे बिहेव करेंगे उसकी। प्रैक्टिस। हाँ उसी को रिहर्सल कहते हैं। मगर आमिर खान कौन बनेगा? तुम बहादुर आईना। ये है हमारा हिंदुस्तान का मशहूर फिल्म स्टार आमिर खान। हाय आई एम आमिर, मुझसे दोस्ती करोगी? सॉरी तुम आमिर नहीं लग रहे हो। Shall we dance? Dance? आपके साथ? May I? Oh my God! Oh my God! मगर music कहाँ है? अरे इतना भी नहीं समझी? आप dance तो कीजिए, music अपने आप शुरू हो जाएगी। रुक्मणी अग्रवाल। अग्रवाल